बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड टेम्पटेशन बाय सना। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस ओरियो मिल्कशेक की रेसिपी लेके आई हूँ, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं तकरीबन 10 अदद ओरियो बिस्किट्स, और इसके अलावा इसमें जा रहा है 400 ml मिल्क, और तकरीबन 3 to 4 स्कूप मैंने लिए हैं आइसक्रीम के, और ऑलमोस्ट 3 or 4 आप ले लें आइस क्यूब्स, और साथ ही हमें चाहिए होगा चॉकलेट सिरप। So first of all, we're gonna break the Oreo biscuits into small pieces. तो अब आप इन क्रश किए हुए बिस्किट्स को निंजा ब्लेंडर में डाल दें, या जो भी ब्लेंडर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डाल दें। तो नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आइसक्रीम, मैं ऐड कर रही हूँ वनीला आइसक्रीम। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इट विल मेक द टेस्ट बेटर। और इसके बाद इसमें जा रहे हैं आइस क्यूब्स, आप जितना इसको ठंडा पीना चाहें उतने ज़्यादा आइस क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क, विच इज़ अबाउट 400 ml। तो अब मैं इसका लिड लगा के क्लोज कर रही हूँ, एंड इट इज़ रेडी टू ब्लेंड। आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें और हमारा ओरियो मिल्कशेक रेडी है। और अब मैं अपने सर्विंग ग्लासेस को चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर रही हूँ टू गिव इट अ ब्यूटीफुल लुक। And now I'm going to serve them into the glasses. And now I'm going to add 1 ice cream scoop in each glass. और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ क्रश किए हुए ओरियो बिस्किट्स। तो हमारा बहुत ही यम्मी और डिलीशियस ओरियो मिल्क शेक रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो ये समर में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।